घूमना किसे पसंद नहीं है, और जब बात विदेश घूमने की हो तो हम सब उत्साहित हो जाते हैं। पर विदेश जाने में सबसे बड़ी समस्या होती है वहां जाने और घूमने का जो खर्च होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि पैसों की कमी के कारण हम में से कई लोग चाहते हुए भी विदेश यात्रा पर नहीं जा पाते। इसका मुख्य कारण है भारत की करेंसी का मूल्य, जो ज्यादातर देशों की तुलना में बहुत कम है। लेकिन अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और पैसों की कमी की वजह से आपका ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप निराश मत होइए, क्योंकि आज हम दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे देशों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ सस्ते भी हैं, जहाँ की करेंसी का मूल्य भारत से भी बहुत कम है और वहाँ पे आप कम पैसों में भी आराम से घूम पाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इंडोनेशिया बहुत से द्वीपों से मिलकर बना ये खूबसूरत देश अपनी बीचेस के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वहाँ का साफ नीला पानी और जलवायु पर्यटकों को काफी आकर्षित करते हैं। इंडोनेशिया उन देशों में से है जहाँ पर भारतीय मुद्रा की बहुत अधिक वैल्यू है और भारत का एक रुपया वहाँ पर लगभग 208 इंडोनेशियन रुपये के बराबर है। इसलिए आप यहाँ बेफिक्र होकर जाएं और घूमें। इस देश का मुख्य आकर्षण है जकार्ता, जावा, बाली, सुमात्रा आदि। वियतनाम। वियतनाम से जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि वियतनाम भारत का एक मित्र देश है और कभी अगर आप यहाँ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ज्यादा खर्च नहीं होगा, क्योंकि भारत का एक रुपया वहाँ के 350 वियतनामीज डोंग के बराबर है। वहाँ के खूबसूरत और शानदार बौद्ध मंदिर, टेस्टी वियतनामीज खाना, सुंदर लड़कियां और खूबसूरत नदियां आपका मन मोह लेंगी। कोस्टा रिका। मध्य अमेरिका में बसा यह देश अपनी खूबसूरत बीचेस के साथ दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ के बीचेस आपको कैरेबियन का पूरा लुत्फ उठाने का मौका देते हैं। यहाँ आने के बाद आप एक से बढ़कर एक बढ़िया ड्रिंक्स का मजा भी ले सकते हैं। और हमारे भारत का एक रुपया कोस्टा रिका के 8.1 कोस्टारिकन कॉलोन के समान है। हंगरी। भारत का एक रुपया लगभग 4 हंगेरियन करेंसी के बराबर है। हंगरी की वास्तुकला और संस्कृति बेहद लोकप्रिय है, जो रोमन, टर्की और अन्य बाकी संस्कृतियों से प्रभावित है। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, जो दुनिया के सबसे रोमांटिक शहरों में से एक है। वहां पे आप अपने साथी के साथ जाकर रोमांस का पूरा मजा ले सकते हैं। कंबोडिया। अगर आप कंबोडिया घूमने जाते हो तो वहां आपको भारतीय संस्कृति का पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ कई पर्यटक स्थल हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। भारत का एक रुपया वहां लगभग 62 कंबोडियन रियाल के बराबर है। अगर आप घूमने के लिए कंबोडिया जाएं तो वहां का एंकोर वाट मंदिर जरूर देखें, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। आइसलैंड। अगर आप गर्मियों की छुट्टी पर विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं तो आइसलैंड जरूर जाइए। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है और भारत का एक रुपया वहाँ 1.8 आइसलैंडिक क्रोना के बराबर है। आइसलैंड अपने खूबसूरत झरनों, ग्लेशियर्स और नदन लाइट्स के लिए जाना जाता है। आप वहाँ मौजूद किसी भी इग्लू होटल में एक रात गुजार कर नदन लाइट्स का मजा ले सकते हैं। चिले। अगर आप एडवेंचरस ट्रैवल करना चाहते हो तो चिले जरूर जाओ। भारत का एक रुपया वहां के 9.62 चिलियन पैसों के बराबर है। आप चिली में जंगल ट्रिप और ट्रेकिंग का आनंद ले सकते हो। चिली के माउंटेन्स की खूबसूरती वहां का मुख्य आकर्षण है। इसके अलावा यहां बहुत सी सक्रिय ज्वालामुखी की चोटियां भी हैं। नेपाल। भारत के लिए नेपाल बहुत ही सस्ता देश है, क्योंकि नेपाल जाने के लिए ना ही पासपोर्ट की जरूरत होती है ना ही वीजा की। भारत का एक रुपया नेपाल में जाकर 1.60 नेपालीज रुपयों के बराबर हो जाता है। यहाँ पर आप नेचर और एडवेंचर दोनों का आनंद ले सकते हो। नेपाल में ऐसी कई खूबसूरत जगह हैं जहां पर आप घूमने बड़े आराम से जा सकते हो। प्रागवे। भारत का एक रुपया प्रागवे के 78.78 प्रागवन गुआरानी के बराबर है। कुछ सर्वेक्षणों के अनुसार प्रागवे दुनिया का सबसे सस्ता देश है, जहां जाकर आप यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप इनमें से किस देश में जाना चाहेंगे कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।